आज मैं लेके आई हूँ व्रत में खाए जाने वाली साबूदाना खिचड़ी। ये खिचड़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, बनाने में आसान है, सिंपल रेसिपी है, बहुत ही कम सामग्री में बन के तैयार होती है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलाइटेड डिशेस विद अजीना। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए बिना देर के रेसिपी शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए लेंगे 1 कप साबूदाना। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे ये छोटा वाला साबूदाना लिया है, आप चाहे तो बड़ा वाला भी ले सकते हैं। लेंगे पानी, अच्छे से इस तरह से हमें साबूदाना को वॉश करना है। देखिए, जब हम साबूदाना वॉश करते हैं तो साबूदाना का व्हाइट स्टार्च निकल के आता है। देखिए, पानी इस तरह का व्हाइट हो जाता है। देखिए, हमें वॉश करके ये सारा व्हाइट पानी निकाल देना है। तब तक वॉश करना है, तब तक धोना है साबूदाना को, जब तक हमारा पानी क्लीन और क्लियर नहीं हो जाता। देखिए, हमने साबूदाना को 4 से 5 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। अब लेंगे पानी, जितना हमारा साबूदाना है उतना ही हमें पानी लेना है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा ले रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा गीला पसंद है इस वजह से, नहीं तो आप उतना ही पानी लें जितना साबूदाना है। अब साबूदाना को भीगने के लिए छोड़ देंगे कम से कम 5 से 6 घंटे, या फिर आप इसे होल नाइट भी रख सकते हैं। 5 घंटा हो गए हैं, आइए चेक करते हैं साबूदाना को। देखिए, साबूदाना हमारे अच्छे से भीग गई है। देखिए, भीग के फूल गई है और दाना दाना अलग हो गए हैं। देखिए इस तरह से लेंगे 2 चम्मच ऑलिव ऑयल। आप चाहे तो इसमें घी का भी यूज कर सकते हैं, या चाहे तो आप इसमें तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 टीस्पून है। आधा चम्मच लेंगे चीनी, 1 चम्मच लेंगे सिंदर नमक यानी कि व्रत वाला नमक। इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है। स्टीमर में अच्छे से पानी बॉईल हो गया है। देखिए, मैंने बॉईल होने के लिए रखा था। लेंगे साबूदाना जो हमने तैयार किया था, रखेंगे स्टीमर में। देखिए, स्टीमर रेडी है। अब स्टीम करेंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गया है, आइए चेक करते हैं साबूदाना को। देखिए, साबूदाना अच्छे से स्टीम हो गया है। गैस को कर देंगे बंद। अब धीरे से ध्यान से साबूदाना को निकाल लेंगे। ये अभी बहुत गर्म है। देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको क्लोज से। देखिए, साबूदाना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। लिया है कढ़ाई, कढ़ाई में लेंगे 1/2 कप मूंगफली। मूंगफली को ड्राई रोस्ट करना है। अच्छे से भुनेंगे, अच्छे से भुनेंगे लो फ्लेम में। अगर आप हाई फ्लेम में भूनते हैं तो ये बाहर से पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए हमें लो फ्लेम में भूनना है। लो फ्लेम में टाइम लगता है लेकिन रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। जब तक मूंगफली भून रही है, आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है फ्रेंड्स। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऐसे अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए, मूंगफली चटकने लगा है, इसका मतलब हमारी मूंगफली अच्छे से भून गया है। अब गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद और मूंगफली को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, हमारी मूंगफली बिल्कुल ठंडा हो गई है। लेंगे मिक्सी जार और मूंगफली को डाल लेंगे मिक्सी जार में। मूंगफली को दरदरा सा पीस लेंगे। देखिए, हमने दरदरा सा मूंगफली को पीस लिया है। अब लेंगे कढ़ाई,
कढ़ाई में लेंगे एक टेबलस्पून घी, शुद्ध देसी घी है ये। लेंगे 1 टीस्पून जीरा, 8 से 10 करी पत्ता। अच्छे से स्टर करेंगे। लेंगे बारीक चॉप किया हुआ हरी मिर्च, आप मिर्च अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अच्छे से स्टर करेंगे। लेंगे क्रश किया हुआ मूंगफली, अच्छे से स्टर करेंगे। और लेंगे हमारी साबुदाना, अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गई है। अब गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और सर्व करेंगे। बन के तैयार है साबुदाना खिचड़ी। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, बनाने में आसान है, सिंपल रेसिपी है। इस नवरात्रि पे आप जरूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगे होंगे। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो डिलाइटेड डिशेज विद अजीना को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।